गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 16A, क्वेश्चन नंबर 14। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 15 मीटर, 12 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर इफ इट हैज़ अ डोर मेजरिंग 4 मीटर इंटू 1.5 मीटर एंड 2 विंडोज ईच मेजरिंग 3 मीटर इंटू 2.5 मीटर। तो बच्चों, ये पहले तो आप इसमें 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम इज इक्वल टू 2 × L + B × H। 2 L कितना है 15 प्लस 12 इंटू H कितना है 8, 2 × 27 × 8 इज इक्वल टू 27 × 16। 27 × 16, 16 × 7 = 112, 16 × 2 = 32, 32 × 11 = 43। तो कितना आ गया बच्चों, 432 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब बच्चों, इसमें से इन वॉल्स में हाउ मेनी डोर्स इन दिस वॉल, अ डोर मेजरिंग जिस पर पेंट नहीं होना है, और 2 विंडोज़ हैं जिस पर कि पेंट नहीं होना है। तो वी राइट हियर एरिया ऑफ 1 डोर एंड 2 विंडोज इज इक्वल टू, एरिया ऑफ डोर कितना दिया हुआ है आप देखें, 4 × 1.5। तो आप क्या लिखेंगे, 4 × 1.5 प्लस 3 × 2.5, इट इज़ द एरिया ऑफ 1 विंडो एंड देर आर 2 विंडो, सो वी राइट 2 टाइम्स। अब इन सभी का आप एरिया फाइंड करेंगे, 15 × 4 = 60, 6.0, 25 × 3 = 75, 7.5 प्लस 7.5 कितना आ गया, 7.5 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ 2 विंडोज एंड 1 डोर। क्लियर? अब आप इसके बाद देखें कि इसमें से आप इसमें डोर पूरी वॉल के एरिया में से इसको माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ वॉल्स फॉर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 432 - 21 इज इक्वल टू 411 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ और होती है बच्चों कि जब हमारा रूम में होता है पेंट, तो उसकी सीलिंग में यानी कि उसकी छत पर भी होता है, तो उसको भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रूफ या सीलिंग, रूफ ही लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू L × B। L कितना है 15 × 12 इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रूम फॉर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 411 प्लस 180, 5, 591 मीटर स्क्वायर। Now find the cost. Cost of 1 meter square white washing
is equal to rupees 8, cost of 591 meter square whitewashing. Is equal to 591 multiplied by 8. 8 ones are 8, 8 nines are 72, 8 fives are 40, 40 or 7, 47. तो कितना कॉस्ट आ गया बच्चों? 4728 रुपीस. Got it? क्वेश्चन नंबर 15. अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 30 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 10 मीटर इज टू बी टाइल्ड. यानी कि स्विमिंग पूल का लेंथ 30 मीटर, ब्रेथ 20 मीटर और हाइट कितना है 10 मीटर. इफ ईच टाइल इज 32 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर एंड कॉस्ट रुपीज 0.40, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग. तो सबसे पहले तो बच्चों स्विमिंग पूल का क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से उसका टॉप, क्योंकि टॉप तो ओपन होती है उसकी स्विमिंग पूल का, नीचे बॉटम जो है वो आपकी सीमेंटेड होती है लेकिन ऊपर का टॉप तो खाली होता है, तभी तो उसमें पानी फिल हो सकता है. तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से टॉप के एरिया को माइनस करेंगे, तब हमारे को पता चलेगा कि स्विमिंग पूल का एरिया कितना है. तो वी राइट हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. कैलकुलेट देम. 2 इंटू 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 30. 2 इंटू 600 प्लस 200 प्लस 300. 2 इंटू 1100 इज इक्वल टू 2200 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू एल इंटू बी. 30 इंटू 20 कितना हो गया 600. अब इसमें से 600 को हम क्या करेंगे माइनस. तो एरिया ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 2200 माइनस 600 इज इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर. नाउ अब इसमें दिया हुआ है इफ ईच टाइल, इसमें टाइलिंग होनी है. क्या होनी है बच्चों? टाइल्ड होना है. इफ ईच टाइल इज 32 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया पूरा किस में दिया हुआ है? मीटर में. क्योंकि हमें टाइल्स निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स. ठीक है, तो आप इसमें निकालेंगे लेंथ ऑफ टाइल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.32 मीटर. इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में. ब्रेथ ऑफ टाइल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.20 मीटर. नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. अब वन टाइल का एरिया कैसे आएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. स्विमिंग पूल का हम निकाल चुके हैं 1600. 0.32 मल्टीप्लाई बाय 0.20, इट इज़ एरिया ऑफ वन टाइल. अब इसका डेसिमल हटाइए, 20 आ गया. इसका डेसिमल हटाइए, 20 आ गया. आपने ये कट किया,
इसको ज़ीरो से ज़ीरो कट किया, टू एट ज़ा 16, ज़ीरो ज़ीरो, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 800, तो ये आ गया 20, ये वाली 10, ये वाली डिवाइडेड बाय द 32। 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32 टू ज़ा 64, 10 माइनस 4 6, 8 7 माइनस 6 1 0, 32 5 जा 160, तो कितनी ज़ीरो आ गई, 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना आ गया आंसर, 25,000 टाइल्स। कॉस्ट ऑफ, अब दिया हुआ है कॉस्ट इज इन रुपीज़, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू रुपीज़ 0.40, कॉस्ट ऑफ 25,000 टाइल्स इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 0.40, 25 4 ज़ा 100, 10 ये वाली, 30 ये वाली, बिफोर द टू डिजिट डेसिमल कट, तो कितना आ गया रुपीज़ 10,000 इट्स कॉस्ट। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द फ्लोर वॉल्स फोर वॉल्स ऑफ अ रूम एट द रेट ऑफ 70 पैसे पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज़ 157.50, द हाइट ऑफ द रूम इज 5 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इफ दे आर इन रेशियो 4:1, तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4:1, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 4x, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू x। नाउ एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स कैसे निकालेंगे, जो टोटल आपका कॉस्ट आया है उसको पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से क्या कर देंगे डिवाइड, लेकिन इसमें एक फ़र्क है, यहाँ पैसे में दिया हुआ है, यहाँ रुपीज़ में, फर्स्ट 70 पैसे कन्वर्ट इनटू द रुपीज़, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, 70 पैसे इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.70 रुपीज़। क्लियर, आप निकालेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ पेपरिंग डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेपरिंग, टोटल कॉस्ट कितनी है 157.50 डिवाइडेड बाय 0.70, डेसिमल रिमूव बाय डेसिमल बिकॉज हियर आफ्टर द डेसिमल टू डिजिट एंड आफ्टर द डेसिमल टू डिजिट्स, 0 कट बाय 0, 157 डिवाइडेड बाय 7, 7 टू ज़ा 14, 1 और 7, 7 टू ज़ा 14, 7 फाइव ज़ा 35, कितना आ गया 225 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू 2 × L + B मल्टीप्लाई बाय H। एरिया फोर वॉल्स कितना दिया हुआ है बच्चों, ऊपर हमने निकाला है 225, 2 × L हमें नहीं दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है, तो हमने क्या माना है L इज इक्वल टू 4x, B इज इक्वल टू x, H इज इक्वल टू 5। नाउ कैलकुलेट इट, 225 इज इक्वल टू 2 × 5x × 5, 5 × 5 = 25, 2 × 50, 225 इज इक्वल टू 50x।
एक्स इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 50। 50 से इसको डिवाइड कीजिए, 54 ज़ा 200, 225 बचेगा तो 55 ज़ा 250, तो कितना आ गया 24.5 मीटर। तो आपका एक्स क्या है, पहले लिखेंगे लेंथ आपको, क्योंकि क्या फाइंड करना है, लेंथ इज इक्वल टू 4x, इट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 और 2 18, डेसिमल बिफोर द वन डिजिट, तो कितना मीटर आ गया, लेंथ इज इक्वल टू 18 मीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4.5 मीटर, वैल्यू ऑफ एक्स इज 4.5। क्वेश्चन नंबर 17 इज कट, एवरीवन डू द क्वेश्चन 14 15 16 इन योर नोटबुक। एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन योर होमवर्क। किसी को होमवर्क में कुछ भी समझ नहीं आएगा तो वो कल अपनी क्वेरीज ले सकता है। ओके okay?